आगामी कावड़ यात्रा के दृष्टिगत जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने राजघाट का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि घाट पर होने वाली किसी भी अप्रिय घटना के बचाव के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाए और घाट पर कंट्रोल रूम स्थापित कराने के साथ जल पुलिस की तैनाती घाट पर आने वाले स्थानों पर अनिवार्य रूप से कराएं और स्नान करने की सीमा पर बैरिगेटिंग कराएं और बैरिगेटिंग के पास चेतावनी बोर्ड लगाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि घाटों पर बिजली, पेयजल, नावों आदि और साफ सफाई की व्यापक स्तर पर व्यवस्था की जाए ताकि रात में स्नान करने और जल भरने वाले श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो और कांवड़ यात्रा मार्ग पर रविवार और सोमवार को मांस और मंदिरा की दुकान बंद रखी जाए और यात्रा मार्ग पर कांवड़ियों के लिए सहायता शिविर स्थापित किए जाएं और घाट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनाती रहेगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को अवशेष मार्गों को तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने घाट पर लगाए गए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए, ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं की संपूर्ण सुरक्षा का ध्यान रखने के साथ ही अराजक तत्वों पर कड़ी नज़र रखें। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी बिलग्राम राकेश कुमार सिंह और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट।